बाड़मेर के सार्वजनिक शमशान घाट में लोकर्स में पड़ी कई अस्थियां शमशान विकास समिति के लिए एक बड़ी समस्या बन गई हैं। दरअसल कई लोग अपने जो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे उनका दाह संस्कार सार्वजनिक शमशान घाट में कर परिजन अस्थियों को शमशान घाट में ही बने लोकर्स में रखकर चले जाते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से कई लोग अपनों की अस्थियां इन लोकर्स में रखकर शायद भूल से गए हैं। वहीं अब हालात ये हैं कि शमशान घाट में करीब 156 दिवंगत लोगों की अस्थियां विसर्जन की याद में तालों में कैद हैं। वहीं शमशान विकास समिति द्वारा भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो इन अस्थियों को ले जाकर विसर्जित करें ताकि सार्वजनिक शमशान घाट में लोकर्स में जगह खाली हो सके। बाड़मेर के सार्वजनिक शमशान घाट में लॉकर्स में पड़ी अस्थियां अब शमशान विकास समिति के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। दरअसल कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए थे तो उनका दाह संस्कार सार्वजनिक शमशान घाट में कर परिजन अस्थियों को शमशान घाट में बने लॉकर्स में रखकर चले जाते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से कई लोग अपनों की अस्थियां इन लॉकर्स में रखकर शायद भूल गए हैं। वहीं अब हालात ये हैं कि शमशान घाट में करीब 156 दिवंगत लोगों की अस्थियां विसर्जन की याद में तालों में कैद हैं। वहीं शमशान विकास समिति द्वारा भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि यह इन अस्थियों को ले जाकर विसर्जित करें ताकि सार्वजनिक शमशान घाट में लॉकर्स में जगह खाली हो सके। शमशान विकास समिति के संयोजक भैरव सिंह फुलवारिया ने बताया कि अब अगर जल्द ही इन अस्थियों के परिजन नहीं ले जाते हैं तो आगामी दिनों में मोक्ष की आस में विसर्जन को तरसती इन अस्थियों को हम गंगा की गोद में विसर्जित कर देंगे। शमशान विकास समिति ने बताया कि कोरोना काल के समय भी कई लोग अस्थियां नहीं ले गए थे और आखिरकार शमशान विकास समिति द्वारा हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप बीकानेर एवं रानीसर जनहितकारी कल्याण भूमि संस्थान बीकानेर के सहयोग से उन अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा नदी में विसर्जित किया गया था। शमशान विकास समिति को ये दुखद होता है कि यहाँ जो शमशान के अंदर जो लोकर रखे हुए हैं वो लोकर पूरे भर चुके हैं और यहाँ वो जो यहाँ अस्थियाँ पड़ी है उनके परिजन वो अस्थियाँ लेकर नहीं जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा, बार बार भी हर साल हम निवेदन करते हैं, कोरोना काल की जो अस्थियाँ यहाँ थी मीडिया के माध्यम से हमने उनके परिजनों से निवेदन किया था, अपील की थी, लेकिन वो नहीं ले गए। इसलिए हेल्पिंग ग्रुप बीकानेर के सहयोग से हमने सनातन धर्म के जो रीति रिवाज के हिसाब से हमने पुण्य के साथ उनका वहाँ विसर्जन करवाने की व्यवस्था की और अभी भी हर साल हमें शमशान विकास समिति को ये दिक्कत आती है, लोकर भर जाते हैं और जब हम उन लोगों से संपर्क करते हैं तो वो यहाँ नहीं आते और अस्थियाँ नहीं ले जाते हैं। शमशान विकास समिति के पास लोकरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा तो है लेकिन हर साल भर जाते हैं। शमशान विकास समिति अपने स्तर पर यह श्राद्ध का जो वर्ष है उस दिन हम इन तालों को खोलने की कोशिश करेंगे और फिर उन अस्थियों को एक इकट्ठा करके हेल्पिंग ग्रुप बीकानेर के सहयोग से सम्मान के साथ उन जो यहाँ अस्थियाँ रखी है गई है उसका हम हरिद्वार में रिक्की पौड़ी पर विसर्जन करवाएंगे। उसके पश्चात यदि कोई शमशान विकास समिति को कोई दोष यहाँ दे ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, इसलिए बारिश से पहले जो भी यहाँ अस्थियाँ रखी गई है उन परिजनों से पूरा पुनः निवेदन है कि आप आकर ये अस्थियों को ले जाएं और हरिद्वार की रिक्की पौड़ी का विसर्जन करने का पुनित कार्य करें। वही इस बार भी अगर अंतिम श्राद्ध पक्ष अमावस्या तक लोग अस्थियां नहीं ले जाते तो इन अस्थियों का 2 अक्टूबर को हिंदू रीति रिवाज से गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। शमशान विकास समिति के संयोजक भैरव सिंह फुलवारिया ने बताया कि हमने पहले भी कई बार अपील की थी लेकिन लोग इन अस्थियों को नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर समिति को इस बार भी सनातन धर्म के अनुसार इन अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में करना पड़ेगा।